कच्चा कलवा। इंटरनेट पर मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की इस टॉपिक पर। कच्चा कलवा एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी जिसने अपनी लाइफ ठीक से देखी नहीं होती। उसके मन में जीने की वो चाहत रह जाती है। उसकी कुछ अधूरी ख्वाहिशें होती हैं जिसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। पर आपको जानकर हैरानी अब होगी, कच्चा कलवा ये बच्चों की स्पिरिट होती है। ऐसे बच्चों को ब्लैक आइड चिल्ड्रन भी कहा जाता है। कच्चा कलवा की वैसे तो इंटरनेट पर कई कहानियां हैं, पर यह कहानी मुझे फेसबुक आईडी पर किसी ने शेयर की। कहानी में बताया गया है, कुछ बच्चे किसी घर के दरवाजे को बार बार बजा के भाग जाते हैं। ऐसा अक्सर उनके साथ होता रहता है। कई बार घर के मालिक ने दरवाजा खोल के देखने की कोशिश की, पर वहां कोई नहीं होता था। ऐसा कम से कम हफ्ते भर चला, और इसमें एक पैटर्न ये था कि रात को 12:21 पर वो बच्चे ज़रूर आते थे। तो एक दिन घर के मालिक ने डिसाइड किया, वो दरवाजे के पास इस तरह से बैठेगा कि जैसे ही किसी ने दरवाजे को बजाया तो वो फौरन से दरवाज़ा खोल के देख सके कि कौन है जो ऐसा कर रहा है। वो शुक्रवार का दिन था, ठीक 12:21 पर किसी ने दरवाज़ा बजाया और मालिक ने एकदम से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि 4 बच्चे अपनी गर्दन नीचे करके खड़े हैं। उनके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और मिट्टी से लगी हुई थी पूरी बॉडी पे। बाल भी गंदे से थे, बिखरे हुए। उन्हें देख के लग रहा था कि जैसे कितने दिनों से ना नहाए हो। मालिक को पहले तो गुस्सा आ रहा था कि रोज़ रोज़ ऐसा कौन करता है। फिर जब आज दरवाज़ा खोल के देखा तो बच्चे थे, वो भी बिना कपड़ों के। उसने बच्चों से पूछा, बेटा आप कौन हो और कहाँ से आए हो? बच्चे गर्दन नीचे किए खड़े हुए हैं, ना कोई जवाब दे रहे थे। फिर चारों ने झटके से अपना दाहिना हाथ उठा के अंदर आने का इशारा किया। मालिक ने उन्हें अंदर बुलाया और पूछा, बच्चों कहाँ से आए हो आप? आपका घर कहाँ है? कहाँ रहते हो आप लोग? इस वक्त भी बच्चों की गर्दन नीचे थी। उन्होंने सामने रखी पानी की बोतल की तरफ इशारा किया। मालिक को लगा वो लोग पानी मांग रहे हैं। वो गया किचन में और 4 गिलास पानी लेके आ रहा था। जब वो बच्चों के पास आया, आते ही उसकी बॉडी अकड़ गई। ना उससे आगे आया गया, ना पीछे हटा गया। वो जहां था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। और उसकी बीवी जो थी वो किचन में कुछ काम कर रही थी उस वक्त। बाहर से गिलास गिरने की आवाज़ आई। तब उसने किचन से बाहर आके देखा तो उसका पति एक जगह खड़ा है, उसके सामने 4 बच्चे और खड़े हैं। और बच्चों ने तब उसकी तरफ देखा, उनकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह काले गड्ढे थे। उनके चेहरे पर डरावनी हंसी थी। वो देखते ही लेडी चिल्लाई, और उसके चिल्लाते ही किसी एक बच्चे ने ऊपर पंखे की तरफ देखा। वो पंखा घूमता हुआ नीचे उस लेडी पर आके गिरा और उसकी वहीं मौत हो गई। इसके बाद वो चारों उसकी बॉडी लेके वहां से गायब हो गए। और ये सब उसके पति ने भी देखा था, जो अकड़ चुका था। खुली आंखों से वो सब देख रहा था। सुनने में तो लगता है किसी बच्चे की स्पिरिट है, और बच्चे क्या ही किसी को नुकसान पहुंचाते होंगे, पर कच्चा कलवा बहुत पावरफुल एंटिटी मानी जाती है। कहानी एक लड़की की है जिसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के हफ्ते भर बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों को किसी रिश्तेदार के घर पे खाने पे जाना था। रात को वापस आते आते उन्हें काफ़ी टाइम हो गया था। 12:30 का वक्त था। तब घर पहुंच के उन्होंने गाड़ी पार्किंग में लगाई। उस वक्त वहां कोई भी नहीं था। तब लड़की ने देखा कि एक बच्चा जिसने कपड़े नहीं पहने थे, वो छिपके लड़की को देख रहा है। पहले उसे लगा कि उसका वहम होगा। लड़की ने अपनी नज़र वहां से हटा ली। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे। लिफ्ट में एंटर होते वक्त सामने शीशे में उसने अपने पीछे की तरफ देखा तो कोई बच्चा दिखाई दिया। उसने अपने हस्बैंड को बताया, पर उसने कहा कि तुम्हारा वहम होगा। पर यह सिर्फ वो जानती थी कि उसका वहम नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई बच्चा है जो उसे फॉलो कर रहा है। वो दोनों आए अपने रूम तक। हस्बैंड ने कहा कि फ्रेश होके अब सोते हैं बस। चेंज करके दोनों सोने चले गए। पति को लेटते ही नींद आ गई।
पर लड़की को आंख बंद करते ही कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो बेचैन हो रही थी। आधी रात के वक्त उसे कमरे से कुछ खटपट की आवाज आती है। वो साइड में रखे टेबल लैंप को ऑन करती है। तब वो क्या देखती है, ऊपर छत पे टंगे पंखे पर वही बच्चा लटका हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाल बिखरे पड़े हैं, शरीर पे मिट्टी थी और सबसे डरावनी बात, उस बच्चे की आंखें नहीं थी। आंखों की जगह काले घेरे थे। वो उसे देखते ही चिल्लाई। पति भी उठ गया, कहने लगा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसने डरते हुए बताया कि मैंने अभी एक बच्चे को पंखे पर लटका हुआ देखा था, उसकी आंखें नहीं थी पर वो मेरी तरफ ही देख रहा था। पति ने कहा, तुम्हें थकान हो रही है, सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाओगे। फिर उसने बीवी को सुलाया और थोड़ी देर में खुद भी सो गया। सुबह जब उसका पति फ्रेश हो रहा था तब लड़की की आंख खुली। उसे फिर से घबराहट होने लगती है। वो चेंज करके नीचे किचन में जाती है और अपनी सासू माँ को बताती है कि मैंने ऐसा ऐसा कुछ देखा। तो मम्मी ने भी कह दिया कि बेटा हो जाता है कभी कभी, दो तीन दिन में पंडित जी आएंगे, पूजा वगैरह करवाती हूँ, सब सही हो जाएगा, चल नाश्ता पानी कर ले। यही सब चलते चलते तकरीबन 21 दिन बीत गए। पंडित जी पूजा वगैरह करके भी जा चुके थे। इसके बाद भी लड़की को ये चीज़ें दिखाई देती थी। वो किसी को बताती तो कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता था। पहले तो लड़की को रात में ये सब ज़्यादा होता था, पर अब तो उसे दिन में भी दिखना शुरू हो गया और अब एक बच्चा नहीं तीन बच्चे दिखाई देते थे। जब भी अकेले होती उसे वो नज़र आते। रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। 2-2:30 बजे के वक्त तो एकदम से ये चीज़ें बढ़ सी जाती। एक बच्चा उसके हाथों को छेड़ने लगता, एक उसके पैरों को कुरेदने लगता और एक उसके बालों से खेलता। जब भी घर में बताती तो कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं। मम्मी कहती कि पंडित जी भी आके चले गए हैं, हमें तो कभी कुछ नहीं दिखा। ऐसा कर कुछ दिनों के लिए तू अपने घर चली जा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको नहीं दिखा इस बात का मतलब ये कतई नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। वो लड़की धीरे धीरे पागल होती जा रही थी, ना ठीक से खाती थी ना पीती थी। ऐसे ही एक दिन कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गई। घर वालों ने उसे उठाया और बेड पर लिटाया, पानी छिड़का उसके मुंह पे, तो वो छटपटाने लगी। घर वालों को लगा घर में कोई खुशखबरी आने वाली है, पर यहां बात कुछ और ही थी। फिर इन सब चीजों को कुछ दिन और गुजरे और वो ऐसे हो गई जैसे किसी ने उसे पोजेस्ट कर लिया हो। किचन में होती तो उसका ध्यान कहीं और होता, चाकू से जल्दी जल्दी सब्जियां काटने लगती बिना देखे, खाने के बर्तन गैस पर रख के खुद दूर खड़ी हो जाती। वो बस घूर के देखती, बर्तन यहाँ से वहाँ होते, खाना अपने आप बनता। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया, बस अपने में ही रहने लगी। थोड़ा वक्त और गुजरा, फिर सर्दियाँ अपने जोर पर थी। एक सुबह वो उठी और वॉशरूम में गई, खुद को शीशे में देखने लगी, गीजर का पानी ऑन किया। धीरे धीरे वो पानी उसके ऊपर गिर रहा था और वो उस गर्म पानी के नॉब को तेज करती चली गई, और तेज और तेज और तेज। उसका शरीर जलने लगा, पर वो वहां खड़ी अभी भी खुद को शीशे में देख रही है। पति को कमरे में महक सी आने लगी। वो उठा, उसने अपने आसपास देखा कि उसकी बीवी वहां नहीं थी। बाथरूम से पानी चलने की आवाज आ रही थी। उसने आवाज दी पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता और पानी अभी भी चल रहा है। लड़के ने बाकी घर वालों को आवाज दी और फिर दरवाजा तोड़ा, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। उसकी बॉडी 70% तक जल चुकी थी, पर हैरानी वाली बात यह थी, इतना सब होने के बाद भी वो खुद को शीशे में देख के मुस्कुरा रहे थे। पति ने जल्दी से गीजर का पानी बंद किया और मम्मी एक कंबल लेके आई, उसे पास के एक हॉस्पिटल में लेके गए। पति की तरफ देख के वो अभी भी हंस रही थी, कह रही थी, तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। ऐसी हालत में भी उसका ऐसा कहना ताज्जुब की बात थी। हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो डॉक्टर उसे देख के हैरान थे कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। इसके बाद फिर उसका इलाज चला। उसे सबसे अलग एक ICU में रखा गया जहां पर डॉक्टर हमेशा उस पर निगरानी रखते थे। जब उसका पति मिलने जाता
तो उंगली के इशारे से सामने कुछ देखने के लिए कहते थे, पर पति को वहां पे कुछ नहीं दिखाई देता था। पति बैठा बैठा यही सोचता रहता, कौन है जिसे वो देख रही है और मैं नहीं देख पा रहा। एक रात 8 बजे डॉक्टर विजिट करके उसे देख के चले गए। वो सो चुकी थी, पति भी बाहर बैठ गया। लड़की को कुछ दवाइयां वगैरह चढ़ाई गई थी। रात के तकरीबन 1 बजे लड़की की आंख खुलती है, उसे सामने वो तीनों बच्चे दिखाई दे रहे थे। वो लड़की उन्हें देख के खुश हो जाती है, बेड पर बैठ जाती है। ना तो उसे कोई दर्द हो रहा था ना कुछ। तब उसने हाथ में लगी ड्रिप झटके से निकाली और उसके हाथ से टप टप करके खून बहने लगा। वो खड़ी होकर उन बच्चों की तरफ जाने लगती है। उसके पूरे शरीर पर पट्टियां लगी थी और वो किसी मम्मी की तरह चल रही थी। बीच रात पति की आंख खुलती है और सोचता है अंदर जाके देखूं कहीं उसे कुछ जरूरत तो नहीं। वो अंदर आता है और आते ही देखता है कि उसकी बीवी जमीन पर रेंगते हुए खिड़की की तरफ जा रही है। उसने ये देखते ही हॉस्पिटल वालों को आवाज लगाई। 3-4 नर्स भाग के आई और उन्होंने भी देखा कि कमरे के अंदर कितना खून बिखरा पड़ा है। उन्होंने जाके लड़की को संभाला और पहले तो उसकी ड्रिप जिस हाथ में लगी थी उसका खून रोका। वो छटपटा रही थी, उसकी आवाज में बहुत गुर्राहट थी। डॉक्टर को बुलाया गया और तब उन्होंने नींद का इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद 10 मिनट वो नर्स उसे पकड़ के वहीं खड़ी रही। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। हॉस्पिटल वालों ने भी ऐसा केस कभी पहले देखा नहीं था। लड़की को ठीक करने के लिए वो हर तरह की कोशिश कर रहे थे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुलाया, बहुत सारे टेस्ट हुए और रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आता था। वो खुद को और ज़्यादा नुकसान न पहुँचाए इसलिए उसके आसपास हमेशा कोई ना कोई हॉस्पिटल का स्टाफ होता ही था। 2 हफ्ते हो चुके थे उसे अस्पताल में भर्ती हुए। दोनों फैमिलीज बहुत दुखी थी, लड़की की हालत देखी नहीं जाती थी। धीरे धीरे जब आसपास में ये बात फैली तो किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि आप लोग अस्पताल में दिखा रहे हो सही है, पर लड़की के पति को एक बार मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए और उससे कहना कि लड़की का कोई कपड़ा अपने साथ लेके चला जाए और जाने से पहले वो कपड़ा लड़की के हाथों से छुआ ले, वहां जाके उस कपड़े को एक पेड़ पर बांधे और बीवी के स्वास्थ्य की कामना करे, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। पति ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और बीवी का एक लाल रंग का दुपट्टा उसके हाथ लगवा के मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल गया और जैसा उस बुजुर्ग ने कहा था वैसा ही किया। वहां जाके उसने देखा कि कई सारे पेड़ थे, पर जिस पेड़ पर लोगों ने कपड़े बांधे थे उस पेड़ पर उसने अपने दोनों हाथ रखे और रोते हुए प्रार्थना करने लगा कि मेरी बीवी जल्दी से ठीक हो जाए। वहीं उस दुपट्टे को बांधकर वो बिना पीछे मुड़े वापस घर के लिए निकल पड़ा। शाम तक वो हॉस्पिटल में पहुंचा और बीवी को देखने गया। उसके कमरे में आते ही बीवी ने अपनी दोनों आंखें एकदम से खोली और वो रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, उसके शरीर का पानी जबकि सूख चुका था पर डॉक्टर भी हैरान थे कि उसके आंसू कैसे आ रहे हैं। उसने अपने पति को कहा, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना। पति ने गर्दन हिलाते हुए हाँ कहा। वो अब अपनी बीवी के पास ही बैठा रहता, हनुमान चालीसा पढ़ता रहता। डॉक्टर भी देखते कि लड़की एकदम से रिकवर कर रही थी, जहां उसके बचने की कोई उम्मीद तक नहीं थी। वो अगले 10 दिनों में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई और फिर उसे पूरी तरह रिकवर होने में तकरीबन 3 महीने लग गए। उसके शरीर पर जलने के निशान अभी भी हैं, पर अब दिमागी तौर पर वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई है और वो दोनों साल में 2 बार साथ में मेहंदीपुर बालाजी ज़रूर जाते हैं। इस हादसे का जिक्र अब ना तो घर वाले करते हैं ना कोई और। किसी को नहीं पता उसके साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था, पर जो भी था बड़ा भयानक और खौफनाक था। यकीन मानिए अभी मैं आपसे ये कहानी शेयर कर रहा हूं तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए हैं। उम्मीद है आज का एपिसोड पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। मेरा नाम प्रवीण है, दुआओं में याद रखना।